हेलो दोस्तों, मैं हूँ उषा। उषा सक के किचन में आपका स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, गाजर को बिना घिसे और बिना मावा के। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 किलो गाजर। गाजर को अच्छे से छील कर धोकर साफ करके ले लिया है और इन्हें मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम ले रहे हैं एक प्रेशर कुकर। कुकर में हम गाजर के पीसेस को डाल देंगे। 200 वीडियो पूरी देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। गाजर को मैंने कुकर में डाल दिया है। अब लेंगे 1 गिलास दूध, जो 250 ml है। दूध को हम कुकर में डाल देते हैं। और इसका ढक्कन लगा देंगे। अब इसे गैस पर मीडियम फ्लेम पर इसे 3 से 4 विसल आने तक पकाएंगे। चलिए रखते हैं कुकर को गैस पर और करते हैं हम आगे की तैयारी। अब ले रहे हैं एक मोटे तले की लोहे की कढ़ाई। ये ली है हमने दूध की मलाई, जो हमारी 6 से 7 दिन की है, फ्रिज में स्टोर करके रखी थी। आप इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं। और हम इससे बनाएंगे अब घी। कढ़ाई में हम मलाई को डाल लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हलवे से मलाई का क्या संबंध है। दोस्तों, इसी से हम रेसिपी तैयार करेंगे। अब हम गैस को कर देते हैं ऑन और इसे घी बनने तक इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। और इधर हम देख लेते हैं, हमारे कुकर का प्रेशर ख़त्म हो चुका है। इसे हम खोल कर देखते हैं हमारी गाजर अच्छे से गली है कि नहीं। गाजर अच्छे से पक चुकी है। अब इसे हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आपके पास मैशर नहीं है तो आप चम्मच, बड़ी चम्मच या चमचा जो होता है, उसकी सहायता से मैश कर लें। बहुत अच्छे से मैश आसानी से हो जाती है। गाजर हमारी मैश हो चुकी है। कुछ पीसेस बचे हुए हैं, दोबारा से गैस पर चढ़ाएंगे इसे और इसका पानी जलाएंगे। इधर हमारा घी बनके तैयार हो चुका है। इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब इसे एक बर्तन में हम छान लेंगे। घी से जो हमारा ये ऊपर ये छानन निकल रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसको हमें फेंकना नहीं है। इसी का इस्तेमाल हम गाजर के हलवे में करेंगे। दोस्तों, इसको कभी मत फेंकना। आप अगर मलाई से घी बना रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कोई भी मिठाई में आप कर सकते हैं। अब ले रहे हैं 1 गिलास दूध। दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और इसी तरह से चलाएं। गैस की फ्लेम लो रखें। एक गिलास दूध डाल दिया है और अच्छे से इसे मिक्स करें थोड़ी देर तक। ये लीजिए, हमारा मावा बनके तैयार हो गया है। अब हम डाल मैश की हुई गाजर को इसी में डाल देंगे।
है ना दोस्तों, एकदम यूनिक तरीका। कोई कहेगा कि हमने मावा नहीं बनाया है और गाजर को घिसा नहीं है। अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। अच्छे से इसे मिलाएंगे। अब डाल रहे हैं 1 कटोरी चीनी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें और कम पसंद है तो कम कर लें। मैं 1 कटोरी डाल रही हूँ। चीनी को घुलने तक इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा हल्का सा पानी छूटता है इसमें, इसे भी अच्छे से जलाना है। अब डालेंगे 1 चम्मच घी। घी भी अगर ज़्यादा आपको पसंद है तो ज़्यादा डाल दें। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि जो हमने घी छाना था उसमें भी घी बच जाता है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हलवा हमारा बनके तैयार है। अब एक दिया है बाउल, इसमें हम सर्व करेंगे। दोस्तों कोई कहेगा कि ये गाजर को घिसा नहीं है और मावा नहीं बनाया है, बनाया ना एकदम डिफरेंट तरीका। अब दे रहे हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट, किशमिश, काजू और बादाम, सभी को मिक्स कर देंगे। आप इन्हें फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मैं ऐसी ऐसे ही डाल रही हूँ। लीजिए हमारे ड्राई फ्रूट भर के तैयार हैं। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है देखने में। आप भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए और खुश रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।